The electric potential variation around a single closed loop containing an ideal battery and one or more resistors, as shown in the figure. If the current of 1 ampere flows in the circuit, the current cannot have. तो यहाँ पर देखिए करंट आपका 1 ampere बोला हुआ है, वेरिएशन देखते हैं. पहले वोल्टेज कांस्टेंट रहा, फिर वोल्टेज हुआ राइज, है ना. वोल्टेज राइज हुआ तो आपके पास एक बैटरी होगी, फिर आपका एक और वोल्टेज यहाँ पे राइज होता है, एक और बैटरी आ गई. आपका यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हुआ तो या तो ये रेजिस्टर ने ड्रॉप किया होगा या फिर एक इन्वर्स बैटरी ने ड्रॉप किया होगा. सिमिलरली एक और आपका यहाँ पे ड्रॉप आता है तो फिर से एक रेजिस्टर होना चाहिए या इन्वर्स एक बैटरी होनी चाहिए. ठीक है, तो अब सिचुएशन ऐसी है कि ड्रॉप कराने वाला तो रेजिस्टेंस होना जरूरी है, राइज तो कभी करा नहीं सकता रेजिस्टेंस, है ना. तो इस सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है, या तो आप बोल सकते हो टू बैटरीज एंड टू रेजिस्टर्स, आप थ्री बैटरीज एंड वन रेजिस्टर भी बोल सकते हो, आप फोर बैटरीज भी बोल सकते हो जिसमें से दो पॉजिटिव हैं और दो नेगेटिव हैं, मतलब अपोजिट लगे. ये सब तो पॉसिबिलिटीज हैं. तो देखो टू रेजिस्टर्स टू बैटरीज भी पॉसिबल है, ठीक है. वन रेजिस्टर एंड थ्री बैटरीज ये भी पॉसिबल है. मैक्सिमम नेट ईएमएफ ऑफ 6 वोल्ट्स, अब आपका 6 वोल्ट्स का ईएमएफ नेट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 6 होगी तो आपका 1 एम्पियर करंट फ्लो कर जाएगा, तो ये भी हम कोई कमेंट नहीं कर सकते. बट 3 रेजिस्टर्स इन 1 बैटरी ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 3 रेजिस्टेंस होते तो 3 ड्रॉप आने जरूरी थे, यहाँ पे 2 ही ड्रॉप है. ऑलराइट,